हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अदर मैथमेटिक्स पजल वीडियो। चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, 10-5 जिसका सम आपका इक्वल दिया गया है 4 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 15-12 जिसका सम आपका इक्वल दिया गया है 1 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 20-10 जिसका सम आपका इक्वल दिया गया है 7 के इक्वल दिया गया है। और आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, 30-14 किस चीज़ के इक्वल होगा, ये आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फाइंड करना है। चलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड्स दे देता हूँ। अगर आप इन 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल देते तो आप अपना आंसर हमें एक और बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए आपका समय शुरू होता है। अगर आपने 10 सेकंड्स के अंदर अपना आंसर निकाल दिया है तो आप अपना आंसर हमें एक और बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, 10-5 जिसका सम आपका इक्वल होगा 5 के इक्वल होगा। और आपको यहाँ पे इक्वल दिया गया है 4 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 15-12 जिसका सम आपका इक्वल होता है 3 के इक्वल होता है। और आपको यहाँ पे इक्वल दिया गया है 1 के इक्वल दिया गया है। नेक्स्ट 20-10 जिसका सम आपका इक्वल होगा 10 के इक्वल होगा। और आपको यहाँ पे इक्वल दिया गया है 17 के इक्वल दिया गया है। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, 13-14 जिसका सम आपका इक्वल होगा 16 के इक्वल होगा। और आपको यहीं पे बताना है कि क्वेश्चन मार्क्स किस जगह यहाँ पे आपके पास कौन सा नंबर आएगा। अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिंपली आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको माइनस करना है इन दोनों नंबर को, माइनस करना है। यानी कि आपको माइनस करना है 10-5 करना है जिसका सम आपका इक्वल होगा 5 के इक्वल होगा। और 5 में आपको माइनस करना है फर्स्ट नेचुरल नंबर जो कि आपके पास रहेगा 1 रहेगा। यानी कि आपको माइनस करना है 5-1 करना है जिसका सम आपका इक्वल होगा 4 के इक्वल होगा। और 4 आपको अपने स्क्रीन पे भी देख रहा है। इसी तरह नेक्स्ट में भी आपके पास सेम फॉर्मूला यूज होगा। यानी कि सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको माइनस करना है इन दोनों नंबर को, माइनस करना है। यानी कि आपको माइनस करना है 15-12 करना है जिसका सम आपका इक्वल होगा 3 के इक्वल होगा। और 3 को आपको माइनस करना है नेक्स्ट नेचुरल नंबर जो कि आपके पास रहेगा 2 रहेगा। यानी कि आपको माइनस करना है 3-2 करना है जिसका सम आपका इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। और 1 आपको अपने स्क्रीन पे भी देख रहा है। इसी तरह नेक्स्ट में भी आपका सेम फॉर्मूला यूज होगा। यानी कि सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको माइनस करना है इन दोनों नंबर को, माइनस करना है। यानी कि आपको माइनस करना है 20-10 करना है जिसका सम आपका इक्वल होगा 10 के इक्वल होगा। और 10 में आपको माइनस करना है नेक्स्ट नेचुरल नंबर जो कि आपका रहेगा 3 रहेगा। यानी कि आपको माइनस करना है 10-3 करना है जिसका सम आपका इक्वल होगा 7 के इक्वल होगा। और 7 आपको अपने स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। इसी तरह सेम फॉर्मूला का यूज करके आप क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, आपको माइनस करना है इन दोनों नंबर को, माइनस करना है। यानी कि आपको माइनस करना है 30-14 करना है जिसका सम आपका इक्वल होगा 16 के इक्वल होगा। वो 16 में आपको माइनस करना है नेक्स्ट नेचुरल नंबर जो कि आपका रहेगा 4 रहेगा। यानी कि आपको माइनस करना है 16-4 करना है जिसका सम आपका इक्वल होगा 12 के इक्वल होगा। यानी कि जहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क्स दिख रहा है वहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 12 आएगा। अगर आपने पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आई होप दिस विल फाइंड इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड दिस वीडियो।